हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीओ केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज खुशखबरी का दिन है क्योंकि आज बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है आज फाइनली, बहुत ज्यादा इंतजार के बाद। तो मैं आज की वीडियो में आपको टॉपर लिस्ट के बारे में बात करूंगा और टोटल जितने टॉपर लिस्ट हैं, टॉप टेन लिस्ट हैं, उन सब के बारे में एक एक करके बात करूंगा। किस जिले से हैं, किस स्कूल से हैं और उनके मार्क्स यानी नंबर कितने हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप करने के बाद आपको यह समझ नहीं आएगा कि किस जिले से कौन सा स्टूडेंट कितना नंबर लेके आया है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टूडेंट हैं जनता हाई स्कूल रोहतास से, जिनका नाम है हिमांशु राज और इन्होंने 481 अंक प्राप्त करके पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दूसरे कैंडिडेट हैं एसके हाई स्कूल जितावरपुर समस्तीपुर से, जिनका नाम है दुर्गेश कुमार और इन्होंने 480 अंक प्राप्त किया है और दूसरे नंबर पर काबिज हैं। तीसरे कैंडिडेट हैं भोजपुर जिले से, जिनका नाम है शुभम कुमार और इन्होंने 478 अंक प्राप्त किया है। अगले कैंडिडेट हैं यानी चौथे कैंडिडेट हैं पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद से, जिनका नाम है राजबीर और इन्होंने 478 अंक प्राप्त किया है। पांचवे कैंडिडेट हैं अरवल जिला से, बालिका हाई स्कूल अरवल से, जिनका नाम है जूली कुमारी और इन्होंने 478 अंक प्राप्त किया है और ये पांचवे नंबर पर काबिज हैं। छठे कैंडिडेट हैं हाई स्कूल अमरपुर लखीसराय से, जिनका नाम है शन्नू कुमार और इन्होंने 477 अंक प्राप्त किया है। वहीं सातवें कैंडिडेट की बात करें तो ये हैं मुन्ना कुमार, जो अशोक हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद से हैं और जिन्होंने 477 अंक प्राप्त किया है। इसी तरीके से आठवें नंबर पर हैं औरंगाबाद जिले से पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर से जो नवनीत कुमार हैं और इन्होंने 477 अंक प्राप्त किया है। नवे कैंडिडेट हैं एनएसएस हाई स्कूल निशान नगर बड़ी रोहतास और इनका नाम है रंजीत कुमार गुप्ता, जो 476 अंक प्राप्त करके नौवे स्थान पर काबिज हैं। इसी तरीके से दसवें कैंडिडेट हैं हाई स्कूल अररिया से, जिनका नाम है अंकित राज और इन्होंने 475 अंक प्राप्त करके अपने जिले का नाम रोशन किया है। ग्यारहवें कैंडिडेट हैं सहरसा से, जिनका नाम है स्तुति मिश्रा, इन्होंने 475 अंक प्राप्त करके अपने जिले का नाम रोशन किया है। बारहवें कैंडिडेट है जगेश्वर हाई स्कूल भूतही सीतामढ़ी से, जिनका नाम है अंशुमन कुमार और इन्होंने 475 अंक प्राप्त करके अपने जिले का नाम रोशन किया है। इसी तरीके से तेरहवें कैंडिडेट हैं रोकरीत गर्ल्स हाई स्कूल समस्तीपुर, जिनका नाम है ज्योति कुमारी और इन्होंने 475 अंक प्राप्त किया है और पूरे गर्ल्स समाज का नाम रोशन किया है। इसके बाद हैं चौदहवें नंबर पर किशन हाई स्कूल मरसंद समस्तीपुर, जिनका नाम है दीपू अंशु प्रिया और इन्होंने भी 475 अंक प्राप्त किया है। इसके बाद हैं पंद्रहवें कैंडिडेट हैं गंगोत्री प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल चिनारी रोहतास से और इनका नाम है अफरीन तलात और इन्होंने भी 475 अंक प्राप्त किया है। इसी तरीके से सोलहवें कैंडिडेट हैं अंकित कुमार पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद से, जिन्होंने 475 अंक प्राप्त किया है। इसी तरीके से सत्रहवें नंबर पर हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई से राज रंजन, जिन्होंने 474 अंक प्राप्त किया है। और 18वें कैंडिडेट हैं बेगूसराय से, जिनका नाम है शशि कुमार और इन्होंने भी 474 अंक प्राप्त करके अपने जिले का नाम रोशन किया है। 19वें कैंडिडेट हैं मधुबनी से,
सोनेलाल महतो हाई स्कूल जोरला मधुबनी से, जिनका नाम है विकास कुमार, और इन्होंने 474 अंक प्राप्त किया है। 20वें कैंडिडेट हैं लिलजू हाई स्कूल बुरहिया पूर्णिया से, और इनका नाम है शुभम राज, जिन्होंने 473 अंक प्राप्त किया है। अगले कैंडिडेट हैं जमुई से, जिनका नाम है बम्बम कुमार, और इन्होंने 473 अंक प्राप्त किया है। 22वें कैंडिडेट हैं बांका जिला से, ये आदित्य राज, और इन्होंने 473 अंक प्राप्त करके अपने पूरे जिला का नाम रोशन किया है। 23वें कैंडिडेट हैं रोहतास से एनएसएस हाई स्कूल निशान नागर बाड़ी रोहतास से, इन्होंने 473 अंक प्राप्त किया है और इनका नाम है राकेश कुमार गुप्ता। 24वें कैंडिडेट हैं आरआर हाई स्कूल गुररी रोहतास से, जिनका नाम है अर्चना कुमारी, और इन्होंने 473 अंक प्राप्त किया है। इसी तरीके से 24वें कैंडिडेट हैं रोहतास से आरआर हाई स्कूल गुरारी रोहतास से, और इनका नाम है अर्चना कुमारी, और ये 473 अंक इन्होंने प्राप्त किया है। 25वें कैंडिडेट हैं रोशन कुमार हाई स्कूल मखदूमपुर जहानाबाद से, इन्होंने 473 अंक प्राप्त किया है। 26वें कैंडिडेट हैं उत्क्रमित एमएस पंसाला बेगूसराय से, जिन्होंने 472 अंक प्राप्त किया है, और वहीं 27वें कैंडिडेट हैं एसएच हाई स्कूल ठीकाहान भवानीपुर ईस्ट चंपारण से, इन्होंने 472 अंक प्राप्त किया है, और इनका नाम है शुभम कुमार। और इसके बाद हैं 28वें कैंडिडेट हैं आर हाई स्कूल सोहमा समस्तीपुर से, और इन्होंने भी 472 अंक प्राप्त किया है। 29वें कैंडिडेट हैं अनुराग राज आरजे हाई स्कूल उदवंत नगर भोजपुर से, इन्होंने भी 472 अंक प्राप्त किया है। वहीं अगर हम बात करें औरंगाबाद जिले से सत्यम कुमार की, तो इन्होंने पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद से 472 अंक प्राप्त किया है। और 30वें कैंडिडेट हैं हाई स्कूल हुलासगंज जहानाबाद से, इन्होंने 472 अंक प्राप्त किया है, और इनका नाम है हेमंत राज। अगले कैंडिडेट हैं 32वें कैंडिडेट हैं अररिया से, जिनका नाम है पायल कुमारी, और ये है प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल अररिया से। और इसके बाद है 33वें कैंडिडेट जमुई जिले से रोहित कुमार, और ये शिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई से है। और आप एक बात देख रहे हैं कि इन्होंने 471 अंक प्राप्त किया है, और इस साल जमुई का थोड़ा सा रिकॉर्ड हम मेरे समझ से थोड़ा सा डाउन हुआ है। अगले कैंडिडेट हैं जिला स्कूल सहरसा से आदित्य कुमार, इन्होंने 471 अंक प्राप्त किया है। 35वें कैंडिडेट हैं हाई स्कूल समस्तीपुर से, और ये है शुभम प्रकाश, जिन्होंने 471 अंक प्राप्त किया है। और अगले कैंडिडेट हैं एनएसएस हाई स्कूल निशान नगर बाड़ी रोहतास से, इनका नाम है संतोष कुमार, जिन्होंने 471 अंक प्राप्त करके अपने जिले का नाम रोशन किया है। तो ये रहे टॉप 36। अब हम अगले और कुछ कैंडिडेट की बात करते हैं। 37वें कैंडिडेट हैं रोहतास से, जिनका नाम है शहजाद आलम, ये है हाई स्कूल कोचस रोहतास से, जिन्होंने 471 अंक प्राप्त किया है। अगले कैंडिडेट हैं रोहतास एचएस रसूलपुर रोहतास से, जिनका नाम है प्रिया कुमारी, और इन्होंने 471 अंक प्राप्त किया है। वहीं कैमूर जिले से प्रदीप कुमार ने भी 471 अंक प्राप्त किया है, और ये है हाई स्कूल सिसवर कैमूर से। 40वें कैंडिडेट है गया जिला से किशन हाई स्कूल शिवनगर नंदनी डीओ चंद डीएच गया से, इनका नाम है मधुमाला कुमारी, और इन्होंने भी 471 अंक प्राप्त किया है। और लास्ट कैंडिडेट हैं सिवान से, जिनका नाम है श्लोक तुलस्यान, और ये हैं वीएमएच हाई स्कूल सिवान से, जो महादेवा में स्थित है, और इन्होंने 471 अंक प्राप्त करके पूरे सिवान जिला का नाम रोशन किया है। मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सभी को, जितने ये कैंडिडेट हैं, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करिए और फिर अपने जिले का नाम रोशन करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।